प्रणाम सभी को, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी राम राम। वे आज सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हर हर महादेव। एक ऑर्डर सरकार द्वारा जारी किया गया है और सरकारी एम्प्लॉयज जितने भी हैं इस वीडियो को बड़ा गौर से देख लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा। बाद में मत कहिएगा कि आपको बताया नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कई बार हम देखते हैं नौकरी सरकार की करेंगे, तनख्वाह सरकार की लेंगे, लेकिन सरकार के ही खिलाफ जो है सोशल मीडिया पर लिखेंगे। कईयों को है ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन अच्छी बात है हमने कई बार गुहार लगाई इस बात पे कि जो सरकारी मुलाजिम है अगर वो सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ ही लिखता है, अचीवमेंट्स के खिलाफ, तो उसकी नौकरी ले लेनी चाहिए। बड़े अनएम्प्लॉयड लोग हैं, बड़े प्राइवेट मुलाजिम हैं, उनको नौकरियाँ दे दें। जिनको नौकरी पसंद नहीं आ रही या नौकरी मिली हुई नहीं आराम से की जा रही, उनसे नौकरी ले लेनी चाहिए। अब सरकार ने ये मूड बना लिया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर किसी भी सरकार की पॉलिसी, सरकार की अचीवमेंट या कोई भी सरकार की स्कीम के ऊपर अगर कमेंटबाजी करता है सोशल मीडिया में, तो उसको अच्छे तरीके के साथ मॉनिटर किया जाएगा और इसके अंदर इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाएगा कि कौन शख्स कहां पर क्या लिख रहा है, खास करके सरकारी मुलाजिम। तो सरकारी मुलाजिमों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो कुछ हुआ चलो ठीक है, लेकिन अब आगे ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी नौकरी आपके हाथ से चले जाए, क्योंकि अगर नौकरी चले गई तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये आप उन अनएम्प्लॉयड यूथ से पूछ सकते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने आज एक बड़ी मीटिंग के अंदर एक बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कह दिया है इन सेक्रेटरीज को कि हर डिस्ट्रिक्ट्स को मॉनिटर करें कि सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर रेगुलर बेसिस पर कोई भी एम्प्लॉई अगर सरकार की पॉलिसीज अचीवमेंट को क्रिटिसाइज करता है या उन पर कमेंट्स करता है तो उनको नोटिस जारी कर दिया जाए, जीएडी डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो है कड़े से कड़ा संज्ञान लेगी। यानी कि अगर अब किसी ने इस तरह की हरकत की तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो कृपया करके मेरी सरकारी मुलाजमों से एक रिक्वेस्ट है कि अब मत कीजिएगा इस तरह, वरना नौकरी ना चले जाए। जैसे देखो अभी चाणक संजीत जी हैं। मैं वैसे चीफ सेक्रेटरी साहब को एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जेके मीडिया ज़रूर देखिया करें, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे वीडियोस के ऊपर बड़े कमेंट कर रहे होते हैं, जो आपकी कभी पॉलिसी के बारे में बताते हैं, तो उनको ज़रूर बताइएगा। और जैसे ये एक कोई हरप्रीत सिंह जी हैं, इनको भी पसंद नहीं आ रही ये बात। चलो मैं आशा करता हूँ हरप्रीत सिंह जी कोई सरकारी नौकरी ना करते हो। आगे जी ये कोई डॉक्टर जुगमोहन सिंह जी हैं। अब ये डॉक्टर जुगमोहन सिंह जी अब पता नहीं क्या काम करते हैं, अगर तो ये डॉक्टर हैं और सरकारी मुलाजिम है तो जी चीफ सेक्रेटरी साहब मैं बता दूं आपको, ये डॉक्टर जुगमोहन सिंह जी लिख रहे हैं कि ये एक तानाशाही है, यानी कि सरकार के ऑर्डर को ये डॉक्टर जुगमोहन सिंह जी तानाशाही कह रहे हैं। तो मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि पहला तो नंबर ये देख लीजिए, अगर जुगमोहन सिंह जी सरकारी नौकरी में है तो फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है। असगर अली कह रहे हैं कि वेल डन, बड़ी अच्छी बात है। और अच्छी बात है, देखिए बड़े अनएम्प्लॉयड लोग हैं ये जो सरकारी मुलाजिम अपनी नौकरी छोड़कर, क्योंकि आप देखें ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी तहसील में चले जाइए, काम नहीं करेंगे आगे पीछे की बातें हांक रहे होंगे, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। जो गरीब आदमी कोई अपना काम लेकर आया होगा ना, वो नहीं करेंगे। किसी की जमीन की पैमाइश है, किसी की फर्द काटनी है, वो नहीं करेंगे, अपनी बातें करते रहेंगे, गवर्नमेंट को के ऊपर बातें करते रहेंगे, मोदी ने ये कर दिया, राहुल गांधी ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अपनी नौकरी नहीं करेंगे, अपनी नौकरी बिल्कुल नहीं करेंगे, खास करके ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले। सबसे ज्यादा जो करप्शन है यहीं से आती है। और मैं सरकार से कहूंगा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी इंप्लॉयज है ना, कम से कम उनके सोशल मीडिया चेक किए जाए अकाउंट, सबसे ज्यादा वही इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि वेले काम है उनका, कोई लोगों के काम नहीं करने, लोगों को सिर्फ चक्कर लगवाते रहना है तहसीलों के, आइए कल आइए परसों आइए, कोई सर्टिफिकेट बनाना है, ये करेंगे वो करेंगे, बस उनको आदत पड़ी हुई है पुरानी। चाहे सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उनकी आदतें अभी ऑफलाइन वाली हैं, जिस वजह से उनको
इसी तरह के ही काम जो हैं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार ने ये बड़ा अच्छा डिसीज़न लिया है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी वीडियो, किसी भी सरकार की अचीवमेंट या सरकार की पॉलिसी के ऊपर कमेंटबाजी करेगा अपनी नौकरी छोड़कर, मतलब अपने काम के समय या काम के बाद भी, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुझे लगता है कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बाकी भी सुधरें, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऐसा काम कर रहा है तो उनको निकाल देना चाहिए, और जो हमारे यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है जिनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उस नौकरी के हकदार हैं। ये जिनके पास नौकरी है उनको खाली कमेंट शमेंट ही करने हैं। और देखिए, जैसे अभी अनीता जी कह रहे हैं गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद लवली डीगरा जी कह रहे हैं फूड सप्लाई डिपार्टमेंट भी, अच्छा किया लवली जी आपने बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ फूड सप्लाई डिपार्टमेंट भी है। चीफ सेक्रेटरी साहब, यहाँ पर भी बड़ा लोग जो हैं मुलाजिम काम नहीं करके राजी हैं, लोगों के बड़े सारे काम जो हैं वो नहीं होते हैं। सुनील कश्यप जी को मेरा नंबर चाहिए। सुनील जी, मेरा नंबर है 9419391050। रेवेन्यू का कोई काम ना हो रहा हो या कोई कमेंटबाजी कर रहे हो तो ज़रूर बताइएगा, इनके स्क्रीनशॉट जरा हम वीडियो में लगा के भेजेंगे आगे। और इसके आगे जी देखो, मैं इसमें एक ज़रूर बात कहूँगा कि आप अगर सरकार आपको तनख्वाह दे रही है तो आप सरकार की जो पॉलिसीज है गरीब लोगों तक लेकर जाएं, सरकार की जो स्कीम्स हैं वो गरीब लोगों तक लेकर जाएं। ऐसा ना करें कि सरकार की स्कीम्स और पॉलिसीज गरीबों तक ना लेके जाएं और उसमें कमेंटबाजी करते रहें, तो मेरे ख्याल से सही काम हो सकता है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर निकाला है और ऐसे ऑर्डर निकलने चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए जो लोग इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी है। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको नौकरी मिल जानी चाहिए। देखते रहें JK मीडिया। धन्यवाद। राम राम।